सीखने का समय हो गया है, तुम्हारे उठने का समय हो गया है, मेरा कॉलेज जाने का समय हो गया था, क्या उसके ट्यूशन का समय हो गया है, क्या सोने का समय हो गया है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हम ये जो स्ट्रक्चर वाला सेगमेंट लेकर के आए हैं, हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा और आप इसे अपने अंग्रेजी बोलचाल में यूज कर रहे होंगे। इससे बहुत ही आसानी होती है और आप इसे आसानी से बोलचाल भाषा में यूज भी कर सकते हैं और करना भी चाहिए कि आप जल्दी से जल्दी अंग्रेजी बोलना सीख जाएं। तो आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक स्ट्रक्चर, समय हो गया है या समय हो गया था या समय हो गया होगा। उसके लिए इंग्लिश में क्या यूज होता है, इट इज टाइम टू, इट्स टाइम टू का यूज करते हैं, समय हो गया है, इट इज टाइम टू। अब आपको इस स्ट्रक्चर को ध्यान से समझना होगा। सबसे पहले इट लगेगा, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लगेगी इज या फिर वॉज, प्रेजेंट टेंस या फिर पास्ट टेंस। इसके बाद में लगेगा टाइम, टाइम के बाद में लगेगा फॉर, इसके बाद लगेगा ऑब्जेक्ट, फिर आएगा टू और टू के साथ लगेगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आएगा और इसके बाद में अदर वर्ड्स आएंगे। इट और वाज का प्रयोग टेंस और सब्जेक्ट के अनुसार किया जाएगा। प्रेजेंट टेंस में इट के साथ इज लगेगा और पास्ट टेंस में इट के साथ वाज लगेगा। तो इसे और भी अच्छी तरह से समझने के लिए हम आपको कुछ एग्जांपल्स बता रहे हैं। तुम्हारे उठने का समय हो गया है, इट लग गया, इज लग गया, प्रेजेंट टेंस है, टाइम फॉल आ गया, यू टू लग गया और टू के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गेट अप, इट इज टाइम फॉर यू टू गेट अप, इट इज टाइम फॉर यू टू गेट अप। मेरा कॉलेज जाने का समय हो गया था, अब यहाँ पास्ट टेंस आ गया तो इट के साथ में क्या लगेगा, वाच लगेगा, टाइम लगेगा, फॉर लगेगा, मी लगेगा, टू लगेगा, गो टू कॉलेज, इट वॉज टाइम फॉर मी टू गो टू कॉलेज, इट वॉज टाइम फॉर मी टू गो टू कॉलेज। उसके पढ़ने का समय हो गया है, इट इज टाइम फॉर हिम टू स्टडी, इट इज टाइम फॉर हिम टू स्टडी। नेक्स्ट सेंटेंस, मेरा नौकरी करने का समय आ गया है, इट इज टाइम फॉर मी टू डू अ जॉब, इट इज टाइम फॉर मी टू डू अ जॉब। नेक्स्ट देखते हैं, बच्चों के खेलने का समय हो गया था, पास्ट टेंस इट के साथ में वॉज लगेगा, इट वॉज टाइम फॉर चिल्ड्रन टू प्ले, इट वॉज टाइम फॉर चिल्ड्रन टू प्ले। नेक्स्ट सेंटेंस, अंग्रेजी बोलने का वक्त आ गया है, अंग्रेजी बोलने का समय आ गया है, वक्त आ गया है या फिर समय हो गया, इट्स टाइम टू स्पीक इंग्लिश, इट इज टाइम टू स्पीक इंग्लिश। क्या तुम्हारे नाश्ते का समय हो गया है, अब क्या है कि क्या आया, क्वेश्चन मार्क है, तो वहाँ पर क्या यूज होगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, तो हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, तो हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के पहले, इज इट टाइम फॉर यू टू हैव ब्रेकफास्ट, इट इज टाइम फॉर यू टू हैव ब्रेकफास्ट। क्या उसके गांव जाने का समय हो गया है, वह फिर सेम चीज, इज इट टाइम फॉर हिम टू गो टू द विलेज, इज इट टाइम फॉर हिम टू गो टू द विलेज। क्या सोने का समय हो गया है, इज इट टाइम टू स्लीप, इज इट टाइम टू स्लीप। क्या उसके ट्यूशन का समय हो गया है, इज इट टाइम फॉर हिज ट्यूशन, इज इट टाइम फॉर हिज ट्यूशन। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। हमारा अंग्रेजी सीखने का समय हो गया है, हमारा
अंग्रेजी सीखने का समय हो गया है। तो दोस्तों इस सेंटेंस को आपको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में ट्रांसलेट करके हमें कमेंट्स बॉक्स पर बताना। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको हमारे जो स्ट्रक्चर वाला सेगमेंट है पसंद आ रहा होगा और आपको समझ भी आ रहा होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दीजिए जिससे हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। तो देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक यू, धन्यवाद।